हेलो गाइस, शुरू करता हूँ जी अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आँखों और सुनते कानों। जनाब आपको अरसलान अकरम का सलाम हो, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस जी, मैं आया था सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए। खैर इधर जॉगिंग तो कैसे, आप वॉक कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग वॉक। सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो जब हम मैट्रिक अंडर मैट्रिक थे तो हम यही पढ़ते थे ना, वो एक सब्जेक्ट था, ऐसे था, उसमें कहते थे कि जनाब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। बस यही वही है, यही फार्मूला हमने अपने आप पे लगाया हुआ है। रात को जल्दी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, तो वॉकिंग करने के लिए जा रहा हूँ। वॉकिंग तो खैर जो करनी थी कर लिया, वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखे सनराइज़ आपको नज़र आ रहा होगा है, सवेरे जब निकल चुका है। जब मैं घर से आया था तब ये सो रहा था और मैं उस वक्त उठा हुआ था। इसके साथ साथ यार ना, मेरी जो आंखें हैं वो आपको साफ तो नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन मेरी आंखें ख़राब थी एक दो दिन से। अब मैं इसकी एंटीबायोटिक और को ट्यूब वगैरह डाल रहा हूँ, तो अब ये काफ़ी हद तक ठीक है, वरना ये इतनी ख़राब थी कि सुबह उठा नहीं जाता था। ये इतनी इस कदर बंद होती थी कि इन्हें बड़ी मुश्किल से खोलना पड़ता था। अब तो खैर ये ठीक हो चुकी हैं तकरीबन। और जी गाइस, ये चेक करें जी, सुबह का माहौल, धूप शूप निकली हुई है जी, सूरज निकल आया है। सूरज जो है मुझसे बाद में निकला है, क्योंकि मैं जब आया था तब सूरज नहीं था, तो मैं सूरज से पहले जाग गया हूँ आज। तो ये सड़क भी सुनसान है, ये खेतें वगैरह आप चेक करें जी, खेत वगैरह, ये जी कोई भी नहीं आ रहा ना आगे ना पीछे। मैं खुद जा रहा हूँ जी, अकेला सड़क पर वॉक कर रहा हूँ, और साफ मौसम है आज, धूप निकली हुई है, चेक करें जनाब आप। गाइस देखें, इस वक्त मैं अभी भी सड़क पे अकेला ही जा रहा हूँ। एक दो वैगन्स वगैरह यहाँ से गुजरी हैं, रिक्शा वगैरह, वो स्कूल के लिए गई थी, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं उन्हें छोड़ने के लिए जो जाते हैं ना, पिक एंड ड्रॉप सर्विस लगी होती है, वो थी। उसके अलावा अभी तक मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया था कि आप देखें, इतना सूरज निकल आया और फिर भी अभी कोई तक बंदा इतना रोड पर नहीं निकला, कोई अपने काम काज के लिए या जो भी कहीं किसी ने जाना हो, सिवाय एक दो वैगन्स के और एक दो रिक्शे के अलावा, और यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं गुजरा है। मैं अकेला ही हूँ अभी, तो मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ। पहले मैं घर वापस जाने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ी दूर और आगे जो है जाते हैं, तो मैं अब काफ़ी तकरीबन दूर आ चुका हूँ। तो भाई कोई बंदा नहीं अभी तक मुझे मिला रोड पर, सिवाय मेरे और इन फसलों के और ये जो सड़क वगैरह लेटी हुई है, इसके अलावा और कोई बंदा नहीं था। अच्छा गाइस, आज ना फर्श वगैरह घर का जो था वो लगवाना था, लेकिन आज जुमा है और जुमे वाले दिन जो होती है मिस्त्रियों की, मज़दूरों की होती है छुट्टी, इसलिए फिर वो आज तो नहीं लगेगा। कल इंशाल्लाह हम जो है कमरे का जो फर्श है वो क्लियर कर देंगे, वो लगा लगू के कम्प्लीट कर देंगे, उससे हो जाएंगे हम फारग। जैसे वो सूखेगा, जो सामान उधर वाला निकाला था हमने दूसरे कमरे में शिफ्ट किया था, वो फिर उधर से उठाएंगे और उसी कमरे में दोबारा शिफ्ट कर देंगे। सेटिंग वगैरह उनकी अच्छी कर देंगे, साफ़ सुथरे दोष हो गए हैं, कमरा रंग रूंग करा के बेहतरीन करके जो है ना हम सिस्टम जो है वो लगा देंगे। फिर दूसरे वाला जो कमरा है जिधर से सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है, उसे भी रंग कर देंगे। घर की बाहर जो है उधर भी रंग कर देंगे, क्योंकि अच्छा खासा घर का थोड़ा सा मुँह शक्ल बनाएंगे। तो अब तक फर्श के लिए जो सामान है वो आज आ जाएगा, जो रेत वगैरह थी वो हम कल लेके आ गए थे, तो फिर वो हमने घर भी जो है रख ली है। बाकी जो है बजरी वगैरह, सीमेंट वगैरह और जो होती है उसमें जो लगेगी वो हम आज सब कुछ जो है कंप्लीट कर लेंगे। कल जैसे ही मिस्त्री आएगा हमने जी फटाफट ये काम कंप्लीट कर देना है, क्योंकि हमने करवाना है जी महफिल मिलाद, तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो डेट जो भी फाइनल की थी उससे जल्दी जल्दी बस ये क्लियर कर लेना, ताकि तब परेशानी कोई ना बने। ये हमारे गांव के साथ एक छोटा सा जी पेट्रोल पंप है, और साथ ही साथ इसमें ये जी अमरूदों वाला जी लगा हुआ है बाग, मतलब गावाज गार्डन है। ये आपको साफ नज़र नहीं आ रहे होने दरख्त वगैरह, लेकिन ये अमरूदों का बाग है, अमरुदों का बाग है जनाब। और इसके साथ साथ ये पीछे आप देख लें, ये पीछे जो होते हैं ना हर गांव के साथ अननेसेसरी लोग जो रह रहे थे, ये वो हैं चौपड़े वगैरह।
और ये साथ में दो शॉप्स हैं, ये इधर जो ये वाली शॉप्स ये बंद ही रहती है तकरीबन अक्सर, ये इसमें कोई काम को नहीं, बंद है। और ये शॉप्स के पीछे जो वो आपको शेड नज़र आ रहा है ना, मतलब मकान सा, वो शेड है मुर्गियों का, ब्लैलर जो मुर्गी होती है उनका शेड है, हमारे गांव के करीब ही है। तो इधर वगैरह ये कंडा वगैरह है, कंप्यूटर कंडा इधर वो जो होता है। हो गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं जी उकाड़ा जिम खाना में। इधर जी मैच हो रहा है टूर्नामेंट का, ये आप प्लेयर वगैरह चेक कर सकते हैं जो अभी वॉक कर रहे हैं ग्राउंड में। तो इनका मैच है, ये मुझे मालूम नहीं है कि ये कौन सी टीम है और अगेंस्ट ये किस टीम के साथ इन लोगों का मैच है, वो भी मैं नहीं जानता। ये आप व्यू चेक करें जी ग्राउंड का, नॉर्मल सा ग्राउंड है जिम खाने का, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है यहाँ, तो लोग फ़िलहाल काफ़ी तमाशे देखने भी आते हैं इधर। और ये मैच हो रहा है अभी, वो जो उन्होंने अपनी टीम वगैरह जो है फील्ड वगैरह लगा ली है, और ये जो बॉलर हजरात हैं ना, इन्हें मैं जानता हूँ। ये है जी 16 जीडी से, इनका नाम मुदस्सिर है। ये बॉलिंग करने लगे हैं, इसका आप स्टाइल चेक करें। और बैट्समैन जो है उनका मुझे मालूम नहीं है, ये चेक करें आप। लो जी, खास आपको इतना ख़ास तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन पेस जो है तकरीबन नॉर्मल ही है, इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, इतनी ज़्यादा स्लो भी नहीं है। और बैट्समैन का भी जो है ना स्टॉक वो बेहतरीन है। और ये खाली एरिया पड़ा, ये बाइक्स वगैरह हैं जो प्लेयर वगैरह खेलने आते हैं, वो इधर बाइक स्टैंड है। और साथ में अंदर जो है वो है इनका ड्रेसिंग रूम, साथ ही साथ इनका ड्रेसिंग रूम है। थोड़ा सा उसको जूम करके दिखा देता हूँ, अब चेक करें लोग। और चल कर ले बॉलिंग, लो जी ये लग गया जनाब चौका। तो खैर लग चुका है जी, लग चुका है चौका, ये भाई साहब को लग चुका है जी चौका। लो जी गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं जी अपने अबाई स्कूल में, अपने अबाई गांव के स्कूल में। तो थोड़ी देर पहले जो ना बारिश का मौसम बना था, तो अच्छी खासी बारिश भी हुई है, उसके बावजूद जो मौसम है ना उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, वो इसलिए क्योंकि जो धूप है वो अभी भी वैसी की वैसी ही निकली हुई है, कड़कदार धूप में अब भी खड़े नहीं हो सकते बारिश होने के बावजूद भी। ये आप चेक करें जी, धूप जो है ना वो अभी भी माशाल्लाह निकली हुई है। ये आप देखें वो दरख्त के बैक साइड पे, अब तो थोड़ी बहुत गायब हो गई है बादलों में, लेकिन है वैसे के वैसे ही वेदर। थोड़ा बहुत चेंजिंग हुई है, थोड़ा बहुत ठंडी हुई है, हवाएं चली हैं, लेकिन बस पहले वैसे ही गर्मी थी। तो अब जुमा था आज, तो जुमे के बाद जो अब ब्लॉगिंग शुरू की है, पहले जो था पहले भी बनाई हुई है, लेकिन उसके बाद जुमा आफ्टर जुमा हम इधर आए हैं जी। लोकेशन बेहतरीन थी, स्कूल का वेदर जो है बड़ा अच्छा था, इसलिए फिर हमने सोचा कि चलते हैं इधर वीडियो बनाने के लिए। तो अब हम पहुंचे हैं जी अपने अबाई स्कूल में, और ये मेरे साथ भाई साहब हैं, इन्होंने भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है जी खोखर इस्लामिक सेंटर। माशाल्लाह जो है ये अब होने जा रहा है इनका ख्वाब पूरा, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर जो हैं वो अबाब हो चुके हैं, वॉच टाइम जो है वो तकरीबन थोड़ा सा रहेगा 200-300 घंटे बस। तो जैसे ही वो हो जाएंगे जी तो इनका चैनल हो जाएगा जी मोनेटाइज, इसके बाद इनसे हम खाएंगे जी ट्रीट, जहां हम कहेंगे ये हमारे साथ वहां जाएंगे और उस जगह पे हमें देंगे ये ट्रीट अपने चैनल की खुशी में, जो इनका चैनल होगा मोनेटाइज। तो गाइस बस यही है हमारी विलेज लाइफ, विलेज रूटीन है हमारी, जो मैं आपसे हर रोज़ अपनी लाइफ शेयर करता हूँ, यही है मेरी ज़िंदगी जनाब। घर का काम काज कर लिए, तो थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेल ली, बाकी तो कोई खास ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं, जैसे कि अमीर लोग परचेज़ करते हैं अपने आए दिन कोई न कोई नई चीज़। कभी वो जाते हैं जी किस होटल में खाना करने खाने के लिए, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो हम अभी इस काबिल नहीं हुए, अब भाई साहब का चैनल हो गया जी मोनेटाइज, तो ये हैं आए दिन ये अपनी जो है ख्वाहिशात जो इन्होंने बरसों से यहाँ दबाई हुई हैं वो उभरेंगी, और अब इन्हें वो पूरा कर सकेंगे। तो जैसे जैसे ये अपनी ख्वाहिशें पूरे करेंगे, इनको देख के जो है हमारे अंदर भी वैसी ही वो क्या कहते हैं कि चिंगारी लगेगी, तो हमें भी मज़ीद मेहनत करने से, मतलब जैसे कि लोग कहते हैं ना कि कोई जो भी काम हो उनसे सीखना चाहिए, तो बस इन्हें देख देख के जो हमारी ख्वाहिशें हैं वो जन्म लेंगी, और इससे हम भी अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ताकि मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद मेहनत करें और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो चीज़ अचीव करें। तो इन भाई ने साहब ने जी काफ़ी मेहनत की है, तकरीबन इनको एक ईयर हो गया, वन ईयर हो गया ये काम करते हुए, तो अब जाके इन्हें उम्मीद लग चुकी है माशाल्लाह, उम्मीद की अब तो ये काम हो चुका है, इनका ख्वाब पूरा होने वाला है। तो गाइस गुड लक फॉर हिम एंड मी टू। ये हैं हमारे स्कूल के ऊपर वाले बादल, कोई अमेरिका से आया है जी, तो कोई दुबई से आया है,
और ये जो है ना, ये मुझे लगता है ये कहीं और से आया, क्योंकि ये हमारी जान से बाहर है। तो वेदर जो है अब तकरीबन काफ़ी साफ़ हो चुका है हमारे इस एरिया का, उकाड़ा का। तो ये जनाब स्कूल चेक करें जनाब, क्या कमाल का स्कूल है, अमेजिंग व्यू है छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा गाइस, हजो ना मेरा गांव है वो इस गांव के साथ ही है, 1-2 किलोमीटर का फासला है। तो हम उधर से आए थे, इधर कुछ काम था, तो अब हम वापस जा रहे हैं जी अपने गांव, क्योंकि अब बारिश जो है वो रुक गई है। और जब बारिश आ रही थी ना, तब जनाब मैं सारा गीला हो गया था। तो इन भाई साहब के घर हम आए थे, इधर हमने पनाह ली थी चंद मिनट के लिए। तो अब बारिश बिल्कुल रुक चुकी है, धूप निकल आई है, तो अब हम जा रहे हैं जी घर। और ये आप चेक करें, ये बंदा जिसके बाजू पे लगी हुई है पट्टी, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इसने एक दिन जो है ना क्रिकेट में एंट्री मारनी है जी इंटरनेशनल लेवल में, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इसके मेहनत का कोई टाइम नहीं है, इसने आए दिन हर वक्त जब इसे टाइम मिलना ना इसने प्रैक्टिस करने के लिए इस ग्राउंड में आ जाना, और ये ग्राउंड सिर्फ इसी की वजह से ऐसा हुआ पड़ा है, ये आए दिन आता रहता है। और बस ये इसका बाजू जो है वो हो चुका है जी थोड़ा बहुत ख़राब, वो इसलिए क्योंकि ये आए दिन इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता था ना, तो अचानक इसे बाल जो है वो थी लग गई, और इसे बाल लग गई थी तो इसलिए इसके बाजू जो थोड़ा इंजरी हो चुकी है। तो जैसे ये फिट होगा ये इंशाल्लाह दोबारा हम टीम में वेलकम करेंगे। और ये जो बंदा है ना ये कहता मैंने वीडियो पे नहीं आना तो मैं इसे लेके आ गया हूँ। तो यार आप इसे देख लें कितना मेहनती बंदा है यार। ठीक है जनाब, ये जाएगी बेटा, ये तो यूट्यूब पे जाएगी, आज चेक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना रावीर व्लॉगर। ये आप चेक करें जी, हवा है तेज है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जी घर, चल आई है। मौसम जो है वो फिलहाल वैसे के वैसे ही हो चुका है, फिर बारिश वाला ही, अब तो शायद ना ही है बारिश, हो सकता है रात को आए। तो अब हम स्कूल से जी शॉर्टकट रास्ता था ये वाला, मेन गेट इसका दूसरी तरफ है, तो शॉर्टकट रास्ते से हम जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि ये भाई साहब के इधर साथ ही घर है। तो आज का व्लॉग जो है ये फिर आज यहीं तक है इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट टाइम जो हम कल वाला व्लॉग बनाएंगे तो उनमें होगी मुलाकात। इसके लिए भाई की जो वीडियो है इसे खूब शेयर करें, खूब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रावीन व्लॉगर को। अब मिलते हैं जी कल वाले व्लॉग में, अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा टाटा।